हरे कृष्ण ओम अज्ञान ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे थे भगवद गीता अध्याय 3, इसका एक्रोनिम है ट्री। तो जो पहला सेक्शन टी फॉर त्याग 1 से लेके 9 तक, आर फॉर रंग्स ऑफ योगा लेडर 10 से लेके 16 तक, ई फॉर एग्जाम्पलरी जो तीसरा सेक्शन है जो हम देख रहे हैं, और चौथा है ई फॉर एनिमी ऑफ सोल। तो भगवान इसमें सबसे पहले अर्जुन का एक प्रश्न है कि मुझे त्याग करना चाहिए या कर्म में लगना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेयस्कर है 1 से लेके 9 तक। उसके बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर कर्म निष्काम कर्म योग नहीं संभव है तो कर्म कांड करो। तो कर्म कांड से लेके 2 कर्म योग 10 से लेके 16 तक। 17 से 35 में अगर अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हूँ तो भगवान बोलते हैं तभी भी एग्जाम्पल को सेट करने के लिए तुम कर्म करो। और लास्ट जो सेक्शन है उसमें बताते हैं कि जो एनिमी ऑफ सोल, व्यक्ति को अपने कर्तव्य से के पथ से सब कुछ जानते हुए भी च्युत करने वाला जो शत्रु है वो कहाँ। तो 3.30 तक हमने कल देखा था, 3.31 से 35 डिसाइड करेंगे, इसको आज देखेंगे। ये मे मतमिदं मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, ये त्वेतदप्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानाभिमूढस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशमागच्छेत् ओ परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मास्वनिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। तो कल हमने 3.30 तक देखा था। तो इसके आगे भगवान 3.30 में भगवान ने बताया था जो बहुत कंक्लूसिव बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, मयि सर्वाणि कर्माणि। भगवान ने बोला था सारे कर्मों को मुझे अर्पण करो, संन्यस्याध्यात्म चेतसा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। अब भगवान बता रहे हैं मेरे निर्दोषों का अगर तुम पालन करोगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ये मैं मतम इदम नित्यम, ये मैं मतम, ये जो मेरा मत है, ये जो मेरे शब्द हैं, इदम नित्यम, ये जो मेरे शब्द हैं, मेरे जो आदेश हैं, ये इटर्नल वर्ड्स हैं, ये हमेशा के लिए मेरा आदेश है। हाँ, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत का यह सत्य शाश्वत है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम ऐसा मत सोचो ये मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ तुमको युद्ध करने के लिए उकसाने के लिए बोल रहा हूँ, ये हमेशा के लिए सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, मेरे आदेशों का जो भी पालन करेगा, अनुतिष्ठन्ति मतलब इनका जो अनुष्ठान करेगा, इसका जो पालन करेगा, इन आदेशों का कैसे पालन करेगा, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ, अनुसूयंतो बिना द्वेष के, तो क्या होगा उस व्यक्ति को, क्या रिजल्ट मिलेगा, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर हम भगवान ने जो शास्त्रों में दिया है
उसका पालन करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे विश्वास के साथ और बिना द्वेष के, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया कि आपको ये प्रश्न सोच सकता है कि ये तो इतना आसान चीज नहीं है, भगवान ने शास्त्रों में इतनी सारी चीजें दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी हैं। और शास्त्रों में ज्यादातर हम जो पढ़ते हैं, जब व्यवहारिक जीवन आता है तो हमको लगता है इसका पालन करना बहुत मुश्किल है, भगवान ने जो बोला है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है प्रैक्टिकलिटी के लिए, कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है जो शास्त्र में लिखा है, पहले हमको थ्योरेटिकली इंटेलेक्चुअली बुद्धि के स्तर पे पता होना चाहिए कि ये शाश्वत सत्य है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमको उसको जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर हमको जीवन में पालन करने में कुछ कठिनाई आ रही है, क्योंकि पूर्णतया उसका पालन करना इतना आसान नहीं है, तो शास्त्रों में लिखा है अन्य विलासिता शून्यम, लेकिन हमारी तो भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन ऐसा इंजंक्शन, इस प्रकार के वाक्य जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हमको द्वेष नहीं करना चाहिए उससे, मतलब ऐसा खिन्न नहीं हो जाना चाहिए, भगवान ने क्या दिया है, कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं है इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान सिद्धांत बता रहे, हमको पता होना चाहिए कि शास्त्र में जो है वो शाश्वत सत्य है, हमारी स्थिति उतनी उच्च नहीं है, लेकिन मेरे को इसका पालन करने का प्रयास करना है, ये व्यक्ति के मन में होना चाहिए। नहीं, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्या है ये, क्या लिखा है, हाँ मैं भगवान का सर्वेंट बनना है, इस तरह का जो रिजेंटफुल थॉट है, तो शास्त्रों का पालन करने में कठिनाई आएगी। हम जब करते हैं, चार नियमों का पालन करते हैं, इसको पालन करने का गंभीरता पूर्वक प्रयास करना चाहिए। तो ये जो इंटेंशन है फॉलो करने का, ये मन में ऐसी भावना होने चाहिए कि मुझे इसका पालन करना है, कृष्ण भोक्ता है। तो जब हम इस भावना से पालन करते रहेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होते रहेगा। और कोई व्यक्ति है वो पढ़ेगा, वो सोचेगा इसमें क्या है, सब इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये तो व्यवहारिक है नहीं, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि इनिशियल स्टेज में कोई गलत गलत क्रियाएं कर भी रहा है, लेकिन वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको विश्वास है कि मेरा शुद्धिकरण होगा, हरिनाम का जप कर रहा है, हाँ तो उसका निश्चित ही शुद्धिकरण होगा। ये विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है, ये विश्वास होना चाहिए, और एनवी नहीं होनी चाहिए, अनुसूयन, तो बार बार भगवान गीता में बता रहे हैं द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष भक्ति में एक बहुत बड़ा बाधक है। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी सीन एज अ इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेट एंड इफ एनी वन इज थ्रेट टू दैट देन आई फील एनवी। तो भक्ति के पथ पे हम लोग उस तरह का द्वेष ज्यादातर नहीं करते जिस तरह साधारण व्यक्ति के जीवन में होता है। भक्ति के पथ में कई बार हमको भक्तों से ही द्वेष हो जाता है, और कोई भक्त हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहा है, कोई अच्छे से माला कर रहा है, कोई हमसे ज्यादा अच्छा सेवा कर रहा है, कोई उसकी सेवा की प्रशंसा कर रहा है, तो हमको उससे तकलीफ हो जाती है। ये कृष्ण के प्रति द्वेष है जो भक्तों के साथ मैनिफेस्ट होता है। तो महाराज बोलते हैं इन इफ डिवोटीज पुट देयर गोल एज ह्यूमिलिटी देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनवी। हमारे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको भगवान का एक विनम्र दास बनना है, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो जब ये चेतना रहेगी तो हम एनवी से थोड़ा बच पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहे हैं 3.31 में, और आप देखेंगे ये जो स्ट्रेटजी है भगवान ने बार बार गीता में अपनाई है। तो 3.31 में बता रहे हैं अगर आप मेरे आदेशों का पालन करोगे तो क्या होगा, 3.32 में बता रहे हैं आदेशों का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा, यही भगवान ने चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान 4.39 और 4.40 सेम टेक्नोलॉजी सेम स्ट्रेटजी भगवान बताते हैं, जो मेरे
आदेशों का पालन करेगा उसका क्या होगा, 40 में जो आदेशों का पालन नहीं करेगा उसका क्या होगा, ऐसे 8.15, 16 बार बार भगवान ने इस स्ट्रैटेजी को रिपीट किया। अब अगले श्लोक में बताते हैं जो मेरे आदेशों की उपेक्षा करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। ये तो अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढस्तान निधि नष्टान चेतसा। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं एक एक हाथ में तो अगर मेरे आदेशों का पालन करोगे तो सफलता है, और आदेशों का पालन नहीं करोगे अगर सर्व ज्ञान विमूढ़ान, जो ज्ञान भी है ना वो भी यूजलेस हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी कि कितना श्लोक याद हो गया या कुछ हम लोग प्रवचन कर रहे हैं शास्त्र पढ़ रहे हैं केवल, जो ज्ञान है वो भी चला जाएगा। विधि नष्टान अचेतसा, हाँ मटेरियल कॉन्शियसनेस में चले जाओगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं अचेतसा मिस डायरेक्टेड कॉन्शियसनेस, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कृष्ण भावनामृत रहित। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्रास्ट बताना महत्वपूर्ण है जिससे व्यक्ति समझ पाए कि मुझे क्या चुनना है जीवन में। अगर आप बताएंगे नहीं कि पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो व्यक्ति गंभीर नहीं होगा शास्त्रों को पालन करने के लिए। डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर बताता है ये दवाई है और ये आपको पालन करना है, और पालन करेंगे तो इस प्रकार से आप रोग से मुक्त हो सकते हैं, और अगर पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी डॉक्टर बताता है, तभी वो गंभीर होता है वो दवाई को लेने में। तो कॉन्ट्रास्ट बताना बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो सर्व ये तो अभ्यसूयन्तो, जिनको द्वेष है मेरे से, ना अनुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे आदेशों का जो पालन नहीं करते, सर्व ज्ञान विमूढस्तान, तो वो क्या है ज्ञान होते हुए भी मूर्ख रहेंगे हमेशा। हाँ तो डिग्री है सब कुछ है लेकिन वो हमेशा मूर्ख रहेगा। तो हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है इसका उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण के प्रति ये हृदय जो है वो आकर्षित होना चाहिए। तो कभी भी हम यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें बहुत सारे गलत टर्न भी आते हैं, और आप गलत मोड़ पे मुड़ गए तो गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं एक जो टेम्पटेशन है भक्ति के पथ पे वो ओवर इंटेलेक्चुअलिज्म भी है, कि केवल अगर कोई व्यक्ति के सोच व्यक्ति सोचे कि बुद्धि के स्तर पे एनालाइज करके समझ के लॉजिक के स्तर पे उसमें अगर वो लगा हुआ है और वो सोच रहा है मेरे को ज्यादा समझ में आ गया, मैंने ज्यादा पढ़ लिया, मैं लोगों को इम्प्रेस कर दूंगा, मैं अच्छे क्लासेस दे सकता हूँ, मेरे को बुद्धि से बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ, लेकिन ये गीता का उद्देश्य नहीं है। तो भगवद गीता 3.32 में भगवान बताते हैं कि जो ज्ञान है इवन आध्यात्मिक विषयों के बारे में जो ज्ञान है वो व्यर्थ है, सर्व ज्ञान विमूढ़। हाँ किसके लिए, जो कृष्ण भावनामृत रहित है अचेतसा। ये तो हमको पता होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं जो भी हम सुन रहे हैं उसका उद्देश्य है भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप होना चाहिए, तो उसको हमको अपने जीवन में कुछ तो उतारना है। हाँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे सोना है, सोने को जब आग में डालते हैं वो रिफाइन होता है, वो शुद्ध होते जाता है, इसी तरह जब जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको जीवन में अपना के हम कुछ प्रयास करते हैं, अपने जीवन में प्रैक्टिकली कुछ प्रयास करते हैं। शास्त्रों को पढ़ना भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डेफिनेटली, और उसमें जो दिया है तो जब जब अच्छे से करते हैं भगवान और हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में लगते हैं तब उसका रिजल्ट हमको अपने जीवन में दिखता है। तो भगवान 3.32 में बता रहे हैं कि जिसको ज्ञान भी है हाँ वो भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा अगर इच्छा गलत है। हाँ अगर इच्छा गलत है उसकी उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान के ज्ञान का पालन करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। जिसके मन में ऐसी इच्छा होगी वो शास्त्रों का पालन करेगा। तो ये शास्त्रों की नॉलेज का एक उद्देश्य है। तो हम देखते हैं मटेरियल लाइफ में, ये मटेरियल लाइफ का स्टोरी ऐसा ही है कि इस जीवन में सब कुछ जानते हुए भी
व्यक्ति के मन में जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो प्रभुपाद जी कई बार इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस मीन्स टू लिव अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ एंड मेकिंग टेंजिबल प्रोग्रेस टुवर्ड द गोल ऑफ लाइफ। तो ये हमको पता होना चाहिए। बुद्धि का मतलब है कि हमको सत्य के आधार पे जीवन व्यतीत करना है, केवल उसको एनालाइज नहीं करना है। और जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान के प्रति एक भगवान का एक हरि गुरु और वैष्णवों का दास बनना, सेवक बनना, उस उद्देश्य की ओर मुझे प्रगति करनी है। ये जानने के लिए ही भगवान ने अपने असीम अनुकंपा करके भगवत गीता ये शास्त्र वगैरह छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, तो अगर हम इनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, जैसे कोई पुत्र है, कोई बच्चे हैं, वो अपने पिता के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो वो दे आर नॉट अ गुड चिल्ड्रन, दे आर नॉट आइडियल चिल्ड्रन। तो इसी तरह भगवान ने शास्त्र दिए हैं, भगवान अपने धाम में गए, ये शास्त्र हमारे लिए छोड़ के गए हैं ताकि इन आदेशों का पालन करके हम भगवान को प्राप्त करें, ये इसका उद्देश्य है। तो अब इसके बाद भगवान इसके बाद आगे बताते हैं कि यहाँ पे अर्जुन प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न हो सकता है कि अरे जो ज्ञानवान है, जो जानते हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, तो पाप से क्या उनको भय नहीं लगता? हाँ, जो पाप है उससे उन व्यक्ति को भय नहीं लगता है क्या? तो भगवान बोलते हैं जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को ज्ञान है तो वो पाप नहीं करेगा, जिसको पता है क्या पाप है क्या पुण्य है, लेकिन वो व्यक्ति भी पुरानी वासनाओं के कारण और जो संस्कार है, पुरानी वासनाएं और संस्कार उसको पुश करती हैं पाप करने के लिए। ये भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। सदृशं चेष्टते सस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं शान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तो देखिए ये महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। तो ये अध्याय में 1 से 9 में भगवान ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हारे लिए कर्म योग ज्ञान योग से बेटर है। 10 से 16 में भगवान ने बताया कि अगर तुमको लगता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो कर्म योग के लिए तो कर्म कांड करो। 17 से 24 में फिर भगवान ने बताया अगर तुम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हो तभी भी कर्म योग करो, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। फिर 25 से 29 में भगवान ने कर्म योग और कर्म कांड में जो अंतर होता है उसको एक्सप्लेन किया। और 30 से 35 जो सेक्शन चल रहा है इसमें भगवान बताते हैं कर्म योग कैसे एलिवेट करता है। तो मई सर्वाणी कर्माणी भगवान ने 30th श्लोक में बताया, भगवान ने बोला सारे अपने जो कर्म है वो तुम मुझे अर्पण करो। इससे पहले भगवान ने कर्म योग में क्या बताया था कि तुम अपने वर्क से डिटैच रहो, जो काम है उससे डिटैच रहो। फिर भगवान ने बताया यहाँ पे 3.30 में केवल तुमको डिटैच नहीं रहना है पर मेरे पे फोकस भी करना है, तो जो फ्रूट है वो मुझे अर्पण करो। जो निष्काम कर्म योग है उसमें व्यक्ति अपने फ्रूट से डिटैच है, कर्म के फल से आसक्त नहीं है, लेकिन उसका नेक्स्ट स्तर क्या है कि वो कर्म का फल किसको देना है, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि कर्म का फल भगवान बोल रहे हैं वो मुझे देना है। अब उसके अगला स्टेप भगवान ने बताया 3.31 में कि भगवान बोलते हैं कि अगर तुमको इस पर विश्वास रहेगा जो मेरे इंस्ट्रक्शन है तो कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, और विश्वास नहीं रहेगा तो तुम नष्ट हो जाओगे। सर्व ज्ञान विमूढ स्थान विधि नष्टान अचेत सा। अब भगवान इसी को ये जो बता रहे हैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि कैसे तुम अपने नेचर को डाउटेल कर सकते हो, कैसे तुम अपने स्वभाव को मेरी सेवा में लगा सकते हो। सदृशम चेष्टते स्वस्य, स्वस्य मीन्स वंस ओन, अपना। सदृशम मीन्स अकॉर्डिंगली, चेष्टते मीन्स क्रिया या चेष्टा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग,
स्वास्थ्य मीन्स ओन, सदृशम मीन्स अकॉर्डिंगली। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है। प्रकृते ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान अपि मीन्स उसको ज्ञान होते हुए भी, लेकिन जो उसकी प्रकृति है, जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, वो वैसे ही काम करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, यान्ति भूतानि, सारे जो जीव हैं प्रकृतिम यान्ति, प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह मीन्स रिप्रेशन, मीन्स किसी चीज को दबाना, जबरदस्ती रोकना। किम करिष्यति, इससे क्या होगा? तो ये जो भगवान ने श्लोका बोला है, इसको काफी सारी कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी मिस यूज करती है। तो बोलते हैं, अरे तुमको जो जीवन में करना है करो, भगवान ने बोला है निग्रह किम करिष्यति, जबरदस्ती करके क्या होगा? जो जीवन में करना है करो, जितनी इंद्र तृप्ति करना है करो। और हम भगवद गीता में देखते हैं कि भगवान ने कई बार बोला है कि जो गलत इच्छाएं हैं उनको तो दबाना है, उनको रेगुलेट करना है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं निग्रह किम करिष्यति, जबरदस्ती करके क्या होगा? तो यहाँ पे निग्रह किम करिष्यति, सदृशम चेष्टते सस्या, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। तो अगर उसको ज्ञान हो तभी भी, तो इसको समझना इम्पोर्टेंट है। क्या यहाँ पे पहली इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान जो बोल रहे हैं कि प्रकृति, तो ये प्रकृति की अंडरस्टैंडिंग क्या है? प्रकृति, प्रकृति का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो हमारे अनर्थ हैं, एक है हमारे अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य। प्रकृति का मतलब है यहाँ पे हमारी जो प्रोपेंसिटी है। प्रोपेंसिटी मतलब जिस व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है वर्णाश्रम में। तो भगवान ये स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं कि इसको रिप्रेस नहीं किया जा सकता। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है जिसको अर्जिस बोलते हैं। तो दो तरह की अर्जिस होती हैं, एक जो कोई भी आत्मा को जब एक शरीर मिलता है, तो दो तरह की अर्जिस होती है। एक तरह की जो अर्ज है या वेग है, उसको हमको रिजेक्ट करना होता है, और एक तरह की जो अर्ज है उसको हमको डाउटेल करना होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक होती है प्रकृति, एक होती है वासना। तो प्रकृति का मतलब क्या है? मटेरियल नेचर। और वासना का मतलब क्या है? इमोरल डिजायर। तो मटेरियल नेचर मतलब हमारा साइको फिजिकल नेचर। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम में स्वभाव के अकॉर्डिंग डिवीजन किया गया है, और ये जो स्वभाव है इसको भक्ति के साथ डाउटेल किया जा सकता है। लेकिन वासना मतलब है मटेरियल डिजायर, मटेरियल डिजायर जो इमोरल डिजायर है, ये हमारा साइको फिजिकल नेचर नहीं है, और इसको धर्म में हम डाउटेल नहीं कर सकते। देखिए, दो चीजें, एक है प्रकृति, एक है वासना। तो जो प्रकृति है, तो जब भी आत्मा को कोई शरीर मिलता है, ये दो तरह की अर्जेस होती है। एक तो वासना है जो कई जन्मों से उसके अंदर है, जो अनर्थ के रूप में है, और एक क्या है उसका स्वभाव है। तो जैसे ब्राह्मण है वो इंटेलेक्चुअल रहेगा ज्यादा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कोई ब्राह्मण है तो नेचुरली वो इंटेलेक्चुअली ज्यादा ओरिएंटेड रहेगा। तो वो व्यक्ति के लिए इंटेलेक्चुअल फील्ड में काम करना बहुत नेचुरल है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा को जब एक शरीर मिला है तो वो शरीर की ऐसी फंक्शनिंग है, तो ये सिंफुल नहीं है ये। लेकिन वासना का मतलब क्या है? अनर्थ। तो जो क्षत्रिय है उसकी अलग टेंडेंसी होगी, लेकिन चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, काम क्रोध लोभ मोह, हाँ, ये अनर्थ उसके अंदर रहते हैं। तो ये अनर्थ जो है, ये उसको डील करना पड़ेगा उससे। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तो इसके लिए ये नहीं यूज किया गया है निग्रह किम करिष्यति। हाँ, तो जो डिफरेंट वर्ण वाले लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो उनके लिए रेगुलेशन अलग अलग हो सकता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का स्वभाव अलग रहता है। जो वैश्य है तो नेचुरली उसका स्वभाव अलग रहेगा,
मनी माइंडेड रहेगा ज्यादा, ब्राह्मण है ज्यादा इंटेलेक्चुअल रहेगा, जो क्षत्रिय है उसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वो साइकोफिजिकल नेचर बोलते हैं। तो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ क्रियाएं करना व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। जैसे कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, उसको आप इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट देंगे तो उसके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। जो वैश्य के स्वभाव का है, उसको आप कोई बिजनेस वाला एंगेजमेंट देंगे, वो अगर बिजनेस से डील कर रहा है, कुछ शॉप चला रहा है, वो उसके लिए नेचुरल है। इसी तरह जो क्षत्रिय स्वभाव का है, उसको आप मैनेजमेंट देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, तो उसके लिए स्वाभाविक है। जो शूद्र है, उसके लिए सेवा करना ये स्वाभाविक है। हालांकि कलयुग में सब कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन ये वर्ण है ये भी हमको पता होना चाहिए, ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से नहीं है, ये बर्थ से नहीं है, गुण कर्म विभाग से, ये कर्म के आधार पे। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि भक्ति करके सब कुछ चेंज हो सकता है, ये प्रभुपाद जी ने भी श्लोक का बहुत फेमस तात्पर्य उसमें लिखा है ये। तो ये पता होना चाहिए कि जो कोई सेवा कर रहे हैं हम लोग, तो सेवा हमारे स्वभाव के अनुरूप रहेगी तो उसको करना आसान है। उदाहरण के लिए किसी के ब्राह्मण स्वभाव का है और उसको बोला आप गोविंदा हैंडल करो टेम्पल का, तो उसका स्वभाव ही नहीं है पैसे को ध्यान में रखना, और उसका स्वभाव ही नहीं है प्रॉफिट उस कैसे निकालना है, उसके माइंड में आएगा ही नहीं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह कोई ब्राह्मण स्वभाव, कोई क्षत्रिय स्वभाव का नहीं, उसको आपने मैनेजमेंट में डाल दिया, हाँ, तो उसको थोड़ा उसको करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कोशिश करना चाहिए जितना हो सके कि हमारे जो स्वभाव है उसको हम डाउटेल कर सकें भगवान को सर्व करने में। लेकिन जो अनर्थ है, काम, क्रोध, मोद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इनके लिए ये यूज नहीं किया है, निग्रह किम करिष्यति, इसको हमको डील करना पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस श्लोक में बताया गया है कि जीवात्मा की बहुत पुरानी कंडीशनिंग है, प्रोलॉन्ग कंडीशनिंग है, इतने इतने जन्मों से जीव यहाँ पे है, तो इसीलिए जानते हुए भी व्यक्ति को पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो पुरानी वासनाएं हैं और संस्कार हैं वो उसको पुश करते हैं गलत काम करने के लिए भी कभी कभी, ये कृष्ण भावनामृत से दूर करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं ये अगले श्लोक में दिया ये। तो निग्रह किम करिष्यति, तो केवल निग्रह करके क्या होगा। दूसरा इसका अंडरस्टैंडिंग है कि निष्काम कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है। तो निष्काम कर्म योग उसके लिए है जिसका हृदय अशुद्ध है, तो निष्काम कर्म योग अशुद्ध हृदय वाले को प्योरीफाई करता है और उसमें ज्ञान का प्रकाश करता है। जो ज्ञान योग है वो शुद्ध हृदय वाले को और शुद्ध करता है, जो शुद्ध हृदय वाला है उसको और शुद्ध करता है। लेकिन इन दोनों में व्यक्ति के हृदय से पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको ये पूरी तरह नहीं मिटा पाते। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, छठवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। भक्ति योग में ही वो पोटेंसी है जो प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका जो एक्सप्लेन किया है। भक्ति योग में वो पोटेंसी है कि जो व्यक्ति के अंदर कोई भी पाप करने की प्रवृत्ति है उसको पूरी तरह से मिटाने की शक्ति भक्ति योग में ये। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है भगवान ने। तो ये जो है, ये जो श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि जो सेवाएं हैं या जो क्रिया जिसमें व्यक्ति लगा है, अगर वो उसके स्वभाव के अनुरूप है तो ये भी एक बहुत पावरफुल तरीका है काम से डील करने का। वेरी पावरफुल वे टू अवॉइड लस्ट इज इफ अ पर्सन इज एंगेज इन ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर्स ये। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो कहीं जॉब कर रहा है, तो क्या है ना उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए। अब वो जो एंगेजमेंट है अगर उसके स्वभाव के अनुरूप हो जाए, अगर उसके स्वभाव के अनुरूप है, क्योंकि उसका स्वभाव है, एंगेजमेंट सबको चाहिए, क्रियाशीलता उसका स्वभाव है ये, तो क्या होता है वो सेटिस्फाइड रहता है क्योंकि वो स्वभाव के अनुसार काम करने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डीलिंग विथ लस्ट, वन शुड बी बिजी। हाँ, अब वो कहाँ बिजी रहना है, तो अपने स्वभाव के अनुसार अगर वो बिजी रहेगा तो इजी है, जिसका जैसा नेचर है
तीसरा पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली उसको वो भगवान को अर्पण करना है। ये गोल नहीं है कि स्वभाव के अनुसार एंगेज है बस, नहीं। वर्णाश्रम का भी गोल क्या है, सम सिद्धि हरि तोषिणम। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबको भगवान का आश्रय लेना है इवेंचुअली। तो प्रभुपाद जी देखिए इस तात्पर्य में लिखते हैं, अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। और दो तीन लाइन नीचे, हाँ, भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, तो क्या है, भौतिक प्रकृति से बहुत दीर्घकालीन कनेक्शन है, तो विद्वान व्यक्ति भी गलत काम करता है, हो जाता है उससे। अब नीचे बता रहे हैं, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को सहसा अपने नियत कर्मों का त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा, तो यही होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। तो ये सारे श्लोकों में, ये श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक है, भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, प्रभुपाद जी उसको हाईलाइट करते हैं कि इसीलिए व्यक्ति को जो मेजर डिसीजन है लाइफ के वो थॉटफुली लेने चाहिए। उसको सडनली किसी व्यक्ति को कुछ काम नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति को इंगेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट। हम इंडिया में भी देखते हैं, कई जगह आप देखेंगे कई कुछ साधु हैं, कुछ इंगेजमेंट ही नहीं है, और कुछ लोग घर में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, कहीं जॉब नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, हाँ, तो घर में कुछ झगड़ा हो गया, छोड़ के धाम निकल जाते हैं। धाम में वो लोग कुछ सैफरॉन वस्त्र पहन लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। ये लेकिन साधु का लाइफ नहीं है, और उनके लिए कोई इंगेजमेंट नहीं है, कुछ इंगेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, इस तरह से करना प्रॉपर नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर जगह लिखा है, इसमें एक शब्द यूज किया है, श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत। हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ गाइडेड होना चाहिए, लाइफ ऐसा बिना गाइडेंस के नहीं करना चाहिए चीज, वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, ये बताया गया है कि किस तरह से हमको अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये तो इस श्लोक को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो अनर्थ है, काम के लिए जो भी इच्छाएं आ रही है, क्रोध आ रही है, निग्रह करने से तो कुछ होगा नहीं, उसको करना है, नहीं, ये वासनाओं के लिए नहीं, ये प्रकृति स्वभाव के लिए। तो अब प्रश्न हो सकता है कि अगर यहाँ पे बताया है प्रकृति ज्ञानवान, अभी ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग जब एक्ट करता है, तो शास्त्रों में इतने सारे नियम क्यों दिए गए हैं रेगुलेट करने के लिए, क्यों इतने सारे नियम दिए गए हैं? तो इसका आंसर नेक्स्ट श्लोक में करते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशमागच्छेत् परिपन्थिनो। तो भगवान बोलते हैं इंद्रियस इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियस इंद्रियस्य अर्थे, जो इंद्रिया हैं, इंद्रिय विषयों में राग द्वेषो व्यवस्थितो, तो उनको, इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से संपर्क करने के लिए व्यवस्थित तो बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। हाँ, क्योंकि जीव का राग और द्वेष तयोर ना वशम आगच्छेत, लेकिन हमको उनके वश में आना नहीं चाहिए। तो ही अस्य परिपंथिनो, क्योंकि ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, प्रभुपाद जी ने बोला अवरोधक। तो ये जो तात्पर्य है, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इसका दिया है, इसका हेडिंग है बी डिटैच फ्रॉम रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो। क्या हेडिंग है इसका? बी डिटैच फ्रॉम रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो शास्त्रों में बहुत सारे नियम दिए हैं, क्यों नियम दिए हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नियम दिए हैं। नियम इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारी आसक्ति है इंद्रिय तृप्ति करने में, लेकिन वो नियम के वश में नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, बिकॉज देयर आर एक्सीडेंट्स इवन ऑन द रॉयल रोड्स, कि राजमार्ग में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल ये है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, जिस गुण में वो, जिस मोड में है, हाँ, अकॉर्डिंगली, कोई सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, वैसे ही उसका मन उसको कुछ सजेशन देता है।
और जो मन है वो ऑलरेडी इंद्रियों के शरणागत है, वो सरेंडर है सेंसेस को। तो मन की इच्छा होती है जिससे हम आसक्त हैं उसको बोलते हैं राग, जिससे आसक्त नहीं है उसको बोलते हैं द्वेष। तो जिससे आसक्त हैं वो चीज़ हम करना चाहते हैं, और जिसके प्रति एवर्जन है द्वेष है उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इस संसार में हमको राग और द्वेष के आधार पे क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं राग और द्वेष। तो ये हमको कंट्रोल करना चाहिए, राग और द्वेष। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं ज्यादातर मन का राग है। कहाँ राग है? इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी है, कैसे भौतिक सामग्री के द्वारा, भौतिक ऐश्वर्य के द्वारा इस संसार में भोग करना है, इसके प्रति राग है। और तीर्थों में जो विजिट करना है, व्रतों का पालन करना है, हरि नाम का जप करना है, जो भी नियम दिए गए हैं, चार नियमों का पालन करना है, इसके प्रति एवर्जन है। जो भी चीज इंद्र तृप्ति को लिमिट करती है उसके प्रति द्वेष है जीव, और जो भी इंद्र तृप्ति को वो करती है उसके प्रति क्या है, राग है। तो हम भक्त बन जाते हैं, लेकिन भक्त बनने के बाद भी वो रहता है। तो जैसे डिवोटी होते हैं, तो डिवोटी हैं तो गृहस्थ डिवोटी हैं, तो प्रभु जी माता जी बोलते हैं आज मुझे लगता है कि राधा दामोदर को मैंगो शेक पीने का इच्छा है, तो बोलते हैं घर में मैंगो शेक बनाने के लिए। तो वो राधा दामोदर का इच्छा है कि नहीं पता नहीं, जीव गोस्वामी से वो पर्सनली ऐसे आदान प्रदान करते थे, लेकिन प्रभु जी का इच्छा है। तो ये बताया गया है कि यहाँ पे सिद्धांत क्या बताया गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, कृष्ण भावनामृत में प्रगति का स्वभाव यह है कि नेचुरली धीरे धीरे इंद्र तृप्ति करने के प्रति एवर्जन होना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स दिए गए हैं हमको, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप इस तात्पर्य को पढ़ सकते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशंस क्यों दिए गए हैं, क्योंकि व्यक्ति अनियंत्रित है। देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस इस श्लोक से पढ़ता हूँ। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्र के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। स्टेटमेंट नंबर वन, भगवान बोल रहे हैं अनियंत्रित इंद्रिय भोग के कारण ही हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जो शास्त्र के नियमों का पालन करता है, जैसे व्यक्ति कुछ खाना चाहता है लेकिन कोई व्यक्ति है वो भोग लगा के खा रहा है, ये तो किसी व्यक्ति को कोई भी चीज है, प्रभुपाद जी ने इसमें उदाहरण दिया है, किसी व्यक्ति को सेक्स लाइफ एंजॉय करना है तो उसके लिए बताया है कि ठीक है उसको मैरिज करना चाहिए। तो उदाहरण दिया है कि कोई भी भोग व्यक्ति करना चाहता है तो अनियंत्रित भोग करेगा तो बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ेगा, इसीलिए नियम दिए गए, तो नियमों का पालन करता है वो। लेकिन थोड़ा नीचे आप देखेंगे, प्रभुपाद जी ने लिखा है, आप इस तात्पर्य को ढंग से पढ़िएगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है, जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना रहती है। तो अगर कोई राजमार्ग है, बहुत स्पेशल है, पार्लियामेंट के अंदर भी एक्सीडेंट हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी अटैक हुआ है, तो एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, सिक्योरिटी कितनी भी ज्यादा हो। तो प्रिंसिपल ये है कि ये जो जीवन है भोग करने के लिए नहीं है, ये सिद्धांत है, भोग करने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए। तो जो नियम भी दिए गए हैं वैवाहिक जीवन में, जो नियम दिए गए हैं, या तो कोई भी और इंद्रिय का व्यक्ति को आहार के लिए जो नियम दिए हैं कि भगवान को भोग लगा के करना है, लेकिन आइडियल क्या है, आदर्श है कि भगवान सेवा का भाव होना चाहिए। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है,
अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए भी आसक्ति से बचना चाहिए। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तो अभी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इंद्रिय विषयों के लिए जो राग और द्वेष के नियम है उसको भी हमको ऐसा सीरियसली मतलब उसका यूज नहीं करना चाहिए इंजॉय करने के लिए। अभी जैसे बोला है कि भगवान को भोग लगा के आप खा सकते हैं, तो व्यक्ति तीनों टाइम भगवान को भोग लगा के मटर पनीर खा रहा है तो ये रिकमेंडेड नहीं है। हाँ वो नियमों का भी दुरुपयोग कर सकता है कलयुग में जीवात्मा। ये उसको पता होना चाहिए कि ये नियम दिए गए हैं क्योंकि मेरी भोग की, मुझे एक सरल जीवन जीना इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है, प्रभुपाद जी ने जो लास्ट लाइन लिखी है, ये सारे नियम क्यों दिए हैं, फाइनली गोल है भगवान से आसक्त होना। हमारा जो कष्ट है ये जीवन में, ये इसका मेन कारण ये भी नहीं है कि हमारी जो आसक्ति है, इसका मेन कारण है कि भगवान से हम डिटैच है। हाँ संसार से अटैचमेंट होना मेन कारण नहीं है, एक मेन कारण क्या है कि हम लोग भगवान से डिटैच है। तो कोई भी चीज है जो हम कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है कि एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं भक्ति इन वन वर्ड मीन्स एब्जॉर्प्शन। तो कोई भी हम नियमों का पालन करेंगे, कभी हम उसमें सफल होंगे कभी हम उसमें फेल होंगे, लेकिन कुछ भी होता है हमको देखना है क्या मेरा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, यही बेंचमार्क है। क्या मेरे भगवान की सेवा के प्रति जो भाव है वो बढ़ रहा है, ये मेन गोल है सारे रूल्स का। तो जो कोर डिवोशनल एक्टिविटी है श्रवणम कीर्तनम, ये इम्पोर्टेंट है और इसके प्रति टेस्ट होना इम्पोर्टेंट है। तो रीडिंग हियरिंग चैंटिंग के प्रति हमको टेस्ट धीरे धीरे डेवलप करना है। इसको डेवलप करने का तरीका क्या है कि हमको मन को अनुशासन में रखना पड़ेगा, माइंड हैज टू बी डिसिप्लिन। तो माइंड को डिसिप्लिन करने के लिए सारे नियम दिए हैं राग और द्वेष, क्योंकि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो माइंड और सेंसेस वाइल्ड हो जाएंगे। लेकिन इन नियमों का पालन करते हुए हमको देखना है कि कोर एक्टिविटी के लिए आकर्षण हो रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके प्रति जितना आकर्षण होगा तभी ये संभव है कि डिटैच रूप से हम नियमों का पालन कर पाएंगे। ये पॉइंट है, ये कंक्लूजन है कि डिटैच रूप से पालन करना है तो मेन भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। ये तो जो शास्त्र है ये हमको इस तरह से डायरेक्शन देते हैं, जो जो हमारा राग और द्वेष है हाँ उसको इंद्रिय तृप्ति से हटा के हम हमको एनकरेज करते हैं शास्त्र के हम अपने कर्तव्य का पालन करें और अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको करें। इसीलिए अगले श्लोक में वापस से भगवान इस पे स्ट्रेस करते हैं कि हमको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो इसको कल देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।